हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोएसी फैमिली के बारे में। पोएसी को ग्रास फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली कल्टीवेटेड होते हैं। कल्टीवेटेड मतलब कि खेतों में उगाए जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनुअल हर्ब्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे उगते हैं, और एनुअल हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, करीबन 1-2 फीट ऊंचाई के, और ये सभी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं। रूट्स इनकी जो होती है, क्योंकि ये मोनोकॉट है तो इनकी रूट्स जो होती हैं फाइब्रस होती हैं, रेशेदार होती है, और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर स्टिल रूट्स भी पाई जाती है। स्टिल रूट्स मतलब कि जब प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है और तना बहुत सॉफ्ट होता है तो उसके साइड से रूट्स निकलती हैं उन, और वो रूट जमीन के अंदर जाती हैं और स्टेम में से निकलती है और ज़मीन के अंदर तक वो रूट्स जाती है और स्टेम को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ऐसी जड़ों को बोलते हैं एरियल रूट्स होती हैं, इनको स्टिल रूट्स बोलते हैं। देन स्टेम जो होती है, इनका तना जो होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है, हर्बेशियस होता है, हरे रंग का होता है, सॉफ्ट होता है। इसके ऊपर डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और तना जो होता है वो ब्रांच शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी होता है। गोल होता है, इसके ऊपर रिब्स पाई जाती हैं, और अंदर से ये खोखला होता है, और जॉइंट्स नोड्स के ऊपर ये जॉइंट होता है। ग्रीनिश येलो कलर का जनरली तना होता है, और ये बहुत ही आसानी से नीचे गिर जाता है। लीव्स जो होती हैं वो सिंपल होती है, कॉलाइन होती है, अल्टरनेट होती हैं, हरे रंग की होती है, और इनके ऊपर कोई स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। मार्जिन जो होती है वो एंटायर होती है, और पैरेलल वेनेशन इसके अंदर पाया जाता है, और इसके ऊपर एक्यूट अपेक्स होता है। लीफ बेस जो होता है वो शीथिंग लीफ बेस होता है, शीत होती है, और मेम्ब्रेनस इसके अंदर लिग्यूल पाया जाता है। लिग्यूल इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ शीत और लीफ ब्लेड के बीच के अंदर पाया जाता है। इन्फ्लोरोसेंस स्पाइक और स्पाइकलेट्स इन्फ्लोरोसेंस, टर्मिनल पेनिकल इन्फ्लोरोसेंस पाई जाती है। इन्फ्लोरोसेंस के अंदर जो होता है, पुष्पक्रम के अंदर जो होता है उसके अंदर पेयर ऑफ ग्लूम्स लाइक इन केस ऑफ बारले आप देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं फूलों के बीच में से। मेल स्पाइकलेट्स इन टर्मिनल पेनिकल जो होते हैं उनको कहते हैं टेसल, और फीमेल को बोलते हैं जो कि एक्सिलरी इन पोजिशन होते हैं उनको कॉब या ईयर बोलते हैं, जैसा कि हम मक्के के अंदर बोलते हैं। फ्लावर जो होता है वो ब्रैक्टेट होता है, ससाइल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, इट कैन बी बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल होता है, इनकम्प्लीट होता है, एंड हाइपोगाइनस मतलब ओवरी इसके अंदर सुपीरियर होती है और फ्लावर के सारे वर्ल्स उसके नीचे से निकले होते हैं। देन पेरियंथ जो होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 2 थिक ब्रॉड फ्लैशी लोडिक्यूल्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है पेरियंथ। एंड्रोशियम जो होता है इसके अंदर 6 स्टेमंस होते हैं, जनरली 3 होते हैं, जैसे कि स्टेमंस या तो 3 होते हैं जैसा कि बार्ले मेज और वीट के अंदर होते हैं, लेकिन राइस के अंदर जो कि इस फैमिली का मेंबर है उसके अंदर 6 स्टेमंस पाए जाते हैं। स्टेमंस आर पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस मतलब कि दे आर फ्री फिलामेंट्स, लंबे होते हैं। एंथर्स के अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं, डॉर्सल साइड से फिक्स्ड होता है जो फिलामेंट होता है वो जब यंग होता है, और एंथर्स जो होते हैं वर्सेटाइल मतलब सिर्फ एक टिप से फिलामेंट एंथर पर कनेक्टेड होता है, एंड बाकी जो एंथर का लोब होता है वो इजीली हवा के अंदर झूलता रहता है। तो ऐसे तरह के एंथर को बोलते हैं, स्टेमन को बोलते हैं वर्सेटाइल। देन गाइनोशियम जो होता है एक कार्पल होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, इसके अंदर एक ही लोक्यूल होता है, और लोक्यूल के अंदर सिंगल बेसल ओव्यूल पाया जाता है, बेसल प्रेजेंटेशन होती है। स्टाइल जो होती है प्रेजेंट भी होती है जैसे कि राइस के अंदर, या इट कैन बी एब्सेंट लाइक इन केस ऑफ वीट एंड बार्ले। स्टिग्मा जो होते हैं वो 2 होते हैं, एंड दे आर फेदरी, फेदरी मतलब कि पंखनुमा स्टिग्मा होते हैं। फ्रूट जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है, फ्रूट को कैरियोप्सिस कहते हैं। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, एंड ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल डायग्राम आपके वीट का है, ठीक है। देन फिर इसके बाद में ये इसका वीट का ही पूरा ओट प्लांट है, ये इसका आपको जो डायग्राम दिया है
ग्रास पोएसी फैमिली के जनरल प्लांट का, जनरल एक किसी भी प्लांट का ये डायग्राम दिया है, जो ओट का जैसे ये डायग्राम ये बता रहा है। देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व बहुत होता है इस फैमिली का फॉर बोथ मैन एंड एनिमल्स दोनों के लिए। फूड ज़्यादातर जो सीरियल्स हैं, जो मिलेट्स हैं, वो सब इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे कि गेहूँ, मक्का, चना, बार्ले, जौ वगैरह, ये राई वगैरह, ये सारी इस फैमिली के अंदर ये प्लांट्स आते हैं, ठीक है। देन दूसरा इस फैमिली के, नाउ फ्रूट तो इसका जो बीज जो होता है वो तो हम काम में ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हम खा लेते हैं, एंड जो इसके पीछे तना और पत्तियां और बचती है प्लांट्स की, जैसे बीट है, बार्ले है, इन सब से, इन सब को इकट्ठा करके फिर एनिमल्स को फीड किया जाता है, और वो एक तरह से एनिमल्स को भोजन प्रोवाइड करते हैं। ड्राइड स्टेम एंड लीव्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स, दे आर यूज्ड एज फॉडर फॉर कैटल, कैटल गायों के लिए और भैंसों के लिए, इनको फॉडर के रूप में, चारे के रूप में खिलाया जाता है। देन इसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है सैकेरम ऑफिशिनेरम, जिसको कि हम शुगर केन या गन्ना कहते हैं। इससे, इसके जूस से शक्कर प्राप्त होती है। कुछ प्लांट्स इसके ऑर्नामेंटल भी होते हैं, जैसे कि एग्रोस्ट, बोआ वगैरह, ये इसके ऑर्नामेंटल गार्डन्स में उगाए जाते हैं। कुछ एरोमेटिक ऑयल्स इसके प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास, बहुत कॉमनली सुना होगा, इस लेमन ग्रास से लेमन ऑयल निकलता है, विच इज़ यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड सोप इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ग्रासेस के का पल्प बना के और उनसे पेपर बनाया जाता है। एल्कोहल जो एंड कई बिवरेजेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीरियल्स, फॉर एग्जांपल फ्रॉम राई एंड कॉर्न एंड ड्रम मोलेसेस आर मेड फ्रॉम शुगर केन। देन रस्सियाँ बनाई जाती है, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैकेरम के, सैकेरम मुंजो, सैकेरम मुंजो इज मूंज का बॉटनिकल नेम, मूंज के जो फाइबर्स होते हैं उनसे रोप्स बनाई जाती हैं। देन बैम्बू भी इसी फैमिली के अंदर आता है। बैम्बू इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हट्स एंड बोट्स, कार्ट्स, पाइप्स एक्सेट्रा बनाने के काम में आता है। नाउ इस फैमिली के 600 जनरा एंड 10,000 स्पीशीज पाई जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, एंड करीबन 158 जनरा एंड 492 स्पीशीज इसकी इंडिया में पाई जाती है। कॉमन स्पीशीज जो है वो ट्राइटिकम वल्गेरी, वीट, जिया मेज, कॉर्न, मक्का, एवेना सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, बेम्बूसा, सैकेरम ऑफिसिनेरम, ये इस फैमिली के कुछ कॉमन प्लांट्स हैं, ठीक है।